वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपने समझा कि हम ध्वनियों को अलग कैसे करते हैं। तो चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रम में लिखे समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। ओके बच्चों, स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के वर्ण होते हैं। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे स्वर क्या होते हैं। बच्चों, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों से मात्राओं का निर्माण होता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। ओके बच्चों, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों में मात्राओं का निर्माण होता है वे स्वर कहलाते हैं और स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। ओके, हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ। ओके बच्चों, ये क्या हैं? हिंदी के स्वर हैं। ये क्या करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? स्वर व्यंजनों के उच्चारण में मदद करते हैं। इसके अलावा दो अयोग वाह भी हैं। ये ऐसे वर्ण हैं जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं? अंग और अह। ओके बच्चों, तो ये दो अयोग वाह कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजन क्या होते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजन। तो बच्चों चलिए अब हम लोग ये तालिका देखते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला के सारे व्यंजन दिए हुए हैं। आप लोग इनको एक कॉपी पे लिखेंगे और फिर इनको लर्न करेंगे और कई बार लिख के इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट लाइन में 5 वर्ण दिए हुए हैं। देखते हैं इसको, क ख ग घ ण। ओके, सेकंड लाइन, च छ ज झ ञ। थर्ड लाइन, टा ठ ड ढ ण। ओके बच्चों, और ये ड और ड ये दो और हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ लाइन, त थ द ध न। फिफ्थ लाइन, प फ ब फ म। सिक्स्थ लाइन, य र ल व। ओके बच्चों, एंड लास्ट लाइन, श श ह श श स ह। ओके, तो ये आपकी हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। अब आगे देखते हैं कि इनकी संख्या क्या होती है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं। यदि इसमें ड और ढ को भी जोड़ दें तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजनों को भी प्रयोग किया जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? ये हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र।
ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाया है मैंने छ, छ किसको किसको मिलाने से बना है। छ बनता है क और षटकोण वाला श को मिलाने से। तो ये क आधा है और श पूरा है। ओके बच्चों, तो ये क्या बना? छ। अब त्रा देखते हैं कैसे बनता है, आधा त और र, तो ये क्या बन गया? त्र। ग्या आधा जा प्लस न्या, या और आधा जा को मिलाने से क्या बनेगा? ज्ञा। आप श्रा देखते हैं, श्रमिक वाला श्रा, आधा श प्लस रा, इसको मिलाने से क्या बन गया? ये श्रा। ओके बच्चों, इसके अलावा आ ज और फ आगत वर्ण हैं, ये अन्य भाषाओं के लिए गए हैं। ओके बच्चों, तो ये मैंने बताया आपको स्वर और व्यंजन क्या होते हैं तथा इनकी वर्णमाला में क्या संख्याएं होती हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं, अपनी अगली वीडियो में मैं आपको आगे का बताऊंगी। धन्यवाद।